अब गुजरात से बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले दिनों में वहां बारिश अभी और होने वाली है, जबकि पहले से ही कच्छ, द्वारका, गिर सोमनाथ और वलसाड और साथ ही साथ नवसारी के लोग परेशान हैं। लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर चुका है। अहमदाबाद में तो इतनी बारिश हुई कि कई इलाके पानी में डूबे दिखाई देने लगे हैं, लेकिन अभी ये बारिश रुकने वाली नहीं है क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद एक अंडरपास में जलभराव की वजह से कार फंस गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया, जिसमें चार लोग सवार थे। क्योंकि कार चालक को ज्यादा पानी का अंदाजा नहीं हुआ, इसलिए उसने जलभराव के बीच कार निकालने की कोशिश की और बीच में जाकर फंस गया, लेकिन अंडरपास में पानी इतना था कि कार भी नाव की तरह बहने लगी और कार में सवार लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। इस बीच स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, सबसे पहले कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और फिर जलभराव में फंसी इस कार को बाहर निकाला गया। इससे पहले इसी अंडरपास में दो और गाड़ियां फंस गई थी, जिन्हें भी स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया था। वहीं गुजरात में लगातार जोरदार बारिश हो रही है। जूनागढ़ समेत कई शहरों में मौसम विभाग ने 9 से 12 जुलाई के बीच जबरदस्त बारिश की चेतावनी जारी की है। तो गुजरात से लेकर हिमाचल तक बारिश और बादल का कहर दिखाई दे रहा है। गुजरात के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है, कई इलाकों में जल जमाव देखा जा रहा है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में फिर से बादल फटा है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो यहां कर्नाटक में भी बारिश का असर दिख रहा है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई दिनों से लगातार होती बारिश की वजह से गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। कुछ जगहों पर तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सब कुछ बहता नजर आया, जिसकी एक तस्वीर आई गिर से। वहां तो मटमैले पानी ने एक पुल को अपनी जद में ले लिया, जिसका बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते पुल पानी में कहीं गुम हो गया। कुछ सेकंड पहले जिस पुल से लोग रास्ता पार कर रहे थे, बाढ़ के पानी ने उसका नामो निशान मिटा दिया। वहीं पोरबंदर के पास मौजूद माधोपुर गांव में तबाही का ऐसा मंजर दिखाई दिया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां तो पूरा का पूरा गांव कमर तक पानी में समा गया। माधोपुर गांव की ये तस्वीर आप ग्राउंड जीरो से नेटवर्क 18 पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जल भराव की स्थिति है वो पैदा हो गई है, पानी घुटनों से आगे बढ़ चुका है। बताया गया कि पोरबंदर इलाके में बीते दो दिनों से लगातार बारिश जारी थी, जिसका असर ये हुआ कि वहां कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। दूसरी तरफ अरब सागर की लहरों में आए उफान ने लोगों की परेशानियों को दोगुना कर दिया। आशंका जताई गई कि अगर इसी तरह वहां बारिश जारी रही तो लोगों के घर डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। वहां से आई तस्वीरों में जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी दिखाई दिया। और गुजरात में आसमान से आई आफत सिर्फ पोरबंदर ही नहीं बल्कि कच्छ जिले में भी तबाही का मंजर लेकर आई। वहां तो नदियों में आया उफान सब कुछ नील जाने पर आमादा दिखा, जिसकी चपेट में एक ट्रक आ गया। बताया गया कि नदी में तेज बहाव की चेतावनी के बावजूद ट्रक ड्राइवर पुल को पार करने की कोशिश में था, लेकिन उसे ये काफी महंगा पड़ा, क्योंकि जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया वो पानी के तेज बहाव के आगे सेकंड भर भी नहीं टिक पाया और ट्रक के फंसते ही ड्राइवर की जान पर बनाई। हालांकि ये गनीमत रही कि लोगों ने उसे वक्त रहते बचा लिया। रेस्क्यू की एक और तस्वीर आई कच्छ के ही नरत्राणा से। वहां तो जैसे एक आदमी ने स्कूटर से बरसाती नाले को पार करने की कोशिश की उसकी जान पर बनाई। हालांकि नाले के बहाव को देखते हुए वहां पहले ही रस्सी बांध दी गई थी, जिसकी मदद से पुलिस के कुछ जवान फौरन पानी में उतरे और उस आदमी को सहारा दिया। उसे देखकर एक पल को लगा मानो पानी उसे स्कूटर समेत बहा ले जाएगा, लेकिन पुलिस वाले ने पूरी ताकत से उसके स्कूटर को बाहर की तरफ खींचा और बाकी लोगों ने उसकी मदद की, तब जाकर उसकी जान में जान आई। और मौसम की मार सिर्फ चंद जिलों तक सीमित नहीं रही बल्कि इसे गुजरात के सबसे बड़े शहरों में एक अहमदाबाद भी अछूता नहीं रहा। वहां भी आसमान से बरसी आफत ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया, जिसकी गवाही दी बापूनगर इलाके से आई तस्वीरों ने। वहां तेज बारिश की वजह से सड़कें जाम हो गई, हालात इतने बिगड़ गए कि कई ऑटो और मोटरसाइकिलों को तो धकेल धकेल कर पानी से निकालना पड़ा। वहां कुछ बाजारों में भरा पानी लोगों की दुकानों तक जा पहुंचा, जिसे निकालने के लिए दुकानदार मशक्कत करते नजर आए। तो वहीं शहर के निचले इलाकों की हालत तो और भी ज्यादा खराब दिखी। वहां पानी के रेले के आगे घर हो या दुकान, सब कुछ तिनके की तरह नजर आए। सड़कों को देखकर ऐसा लगा मानो वो दरिया में तब्दील हो गई हो। वहीं एक जगह पर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलें पूरी तरह डूबी नजर आई। पानी वहां लोगों की कमर तक आ गया, जिसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों के सिर्फ हैंडल ही दिखाई दिए। और कई जगहों पर तो ये पानी लोगों के लिए खासी परेशानी लेकर आया। द्वारका के कई हिस्सों में अचानक तेज हुई बारिश की वजह से जगह जगह गाड़ियां फंस गई,
जिसकी वजह से जूनागढ़ में तो एक परिवार की जान पर बनाई। वहां एक महिला अपनी कार लेकर पानी के बीच से निकलने की कोशिश में बुरी तरह फंस गई। जब उसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने कार के कांच खोले और लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद वहां घुटनों से ऊपर पानी में उतरकर लोगों ने उसकी कार को धकेलकर वहां से बाहर निकाला। हालांकि कुछ देर बाद वहां ठीक उसी तरीके से एक और कार फंस गई, जिसे निकालने के लिए भी लोगों को आगे आना पड़ा। दूसरी तरफ बचाव में तो एक कार पानी में ऐसे अटकी कि उसे बाहर निकालने में कई लोगों की ताकत भी फेल साबित हुई, जिसके बाद आखिर में उसके लिए ट्रक की मदद ली गई और उससे रस्सी बांधकर उस कार को खींचा गया, तब जाकर उसमें मौजूद चार लोगों की जान बचाई जा सकी। वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में तूफान के साथ हुई बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, जिसकी कुछ तस्वीरें जोधपुर से भी सामने आई, जहां तूफान के साथ बादल जमकर बरसे। कई घंटों तक लगातार बारिश होती रही और तेज हवाओं ने भी जमकर कहर बरपाया, जिसका सबूत एक धर्मशाला के बाहर लगी टिन के उड़ने ने दे दिया। तस्वीरों में साफ दिखा कि उस टिन को मजबूती से धर्मशाला के बाहर लगाया गया था, लेकिन तूफान के आगे उसकी मजबूती ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और टिन उखड़कर दूर जा गिरी। बताया गया कि टिन को हवा अपने साथ करीब 300 मीटर दूर ले गई। तूफान तो तूफान, जोधपुर में बारिश भी कम नहीं हुई। एक मंदिर की सीढ़ियों को देखकर तो ऐसा लगा मानो कोई झरना बह रहा हो, क्योंकि वहां से पानी तेज रफ्तार में किसी झरने की तरह लगातार बहता दिखा। कुछ इसी तरह के हालात जैसलमेर में भी देखे गए, जहां कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें पानी में डूब गई, जिस वजह से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं देखिए पानी में खड़ा हूं और लगभग 2 फुट तक जो है वो पानी आ चुका है। सड़कें तो सड़कें, जैसलमेर का जिला अस्पताल भी बारिश के पानी से बच नहीं पाया। अस्पताल के बाहर जमा हुए पानी को देखकर ऐसा लगा कि कोई नदी बह रही हो। इन हालात में मरीजों को अस्पताल लाने में काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल के बाहर तो जो हालात हैं सो है, उसके अंदर की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं। बरसात का पानी अस्पताल के अंदर भी भर गया। पहले से परेशान मरीजों को अपनी बीमारी के अलावा पानी से भी जूझना पड़ा, क्योंकि जिला अस्पताल की ओपीडी में पानी भरा नजर आया और ऐसे में लोगों की मुसीबत दोगुनी हो गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और वहां जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया गया कि दक्षिणी पश्चिम बलूचिस्तान इलाके में बारिश और बाढ़ से करीब 300 से ज्यादा कच्चे घर ढह गए, जिसमें करीब 45 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। यहां इतना नुकसान हुआ है कि स्थानीय प्रशासन ने इस इलाके को आपदा प्रभावित इलाका घोषित कर दिया है, जबकि राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। पाकिस्तान में इस साल पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है और लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 14 जून से अब तक पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। तेलंगाना के महबूब नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल बस पानी में लबालब भरे अंडरपास में फंस गई। ये घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद बस बच्चों को लेकर अंडरपास से गुजरने लगी, लेकिन बस के ड्राइवर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंडरपास में बस फंस जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बस लेकर अंडरपास में दाखिल हुआ, बस बंद पड़ गई। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। बच्चों की चीखने की आवाजें सुनकर फौरन आसपास के लोग वहां मदद के लिए पहुंच गए। बिना देर किए कई लोग जान की परवाह किए बिना पानी में उतर गए। इसके बाद बस में फंसे बच्चों को एक एक कर निकालना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो बच्चों को अपने कंधों पर बैठाकर उन्हें बाहर निकालते दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से अंडरपास में इतना पानी भर गया था कि बस आधी डूब चुकी थी। बच्चों को निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि स्कूल बस में करीब 30 बच्चे मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। कश्मीर में एक आतंकी ढेर हो गया। कुपवाड़ा में सेना ने एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और एक आतंकी को वहां मार गिराया। हालांकि कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सेना के जवान जसवीर सिंह शहीद हो गए। वहीं इस एनकाउंटर में मारे गए आतंकी के पास से AK-47 समेत कई हथियारों के अलावा पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद की गई। बहुत बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उनका मर्डर करने के लिए शूटर्स को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। कहा यह जा रहा है कि यह जानकारी पुलिस को पूछताछ के दौरान मिली है, जिसमें यह बताया गया कि हर शूटर को करीब 5-5 लाख रुपए मिले थे। और
बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। लॉरेंस के खिलाफ कई अदालतों में केस चल रहे हैं और सभी केसों को हैंडल कर रही हैं एक महिला वकील राजवंत कौर। उनका दावा है कि वो बिना फीस लिए लॉरेंस का केस लड़ रही है। जहां जहां जिस कोर्ट में लॉरेंस जाता है वहां ये लेडी वकील मौजूद रहती है। राजवंत का कहना है कि लॉरेंस गैंगस्टर नहीं है, पुलिस लॉरेंस को मेंटल पेन दे रही है। ये बात वो कोर्ट में साबित कर देंगे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में प्रमुख आरोपी लॉरेंस बिश्नोई से अलग अलग राज्य की पुलिस पूछताछ करने जाती है, अलग अलग अदालतों में उसके मामले की जिरह चल रही है। लेकिन जहां जहां जिरह चलती है वहां एक महिला वकील होती है लॉरेंस बिश्नोई को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये है राजवंत कौर। और दिल्ली से लेकर अमृतसर से लेकर अलग अलग जो जगह है, अदालत है, वहां पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। मैडम ये बताइए, लॉरेंस ही क्यों इतने गंभीर आरोप लगे हैं? मतलब बहुत कम वकील हैं जो उनको रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं। एक्चुअली मैं दिल्ली से पहले स्टार्ट किया था अपनी प्रैक्टिस, उसके बाद विशाल जी की असिस्टेंस में, एडवोकेट विशाल हु इज़ माय सीनियर, उनके असिस्टेंस में ही मैं लॉरेंस के सारे केसेस देख रही हूँ। और आने वाले टाइम में जितने भी उसके मैटर्स होंगे विद इन पंजाब, मैं उनके असिस्टेंस के नीचे ही वो सब टैकल करूँगी मैटर्स। अभी तक किन किन जिलों में आप जा चुकी हैं लॉरेंस के केस को रिप्रेजेंट करने के लिए? एक्चुअली अभी तो मैं फ़िलहाल अमृतसर में ही, उन्होंने मुझे ये दी है जिम्मेदारी कि लॉरेंस को पहले अमृतसर से ये फिनिश किया जाए मैटर। अभी उसके बाद जैसे जैसे वो बोलेंगे, जहाँ जहाँ बोलेंगे, आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर हिम। इसका मतलब कि अब जैसे हमने फिरोजपुर पुलिस देखा, मोहाली पुलिस देखा, फजिलका पुलिस देखा, उन जगहों पर जाएंगी तो आप जाएंगी लॉरेंस को रिप्रेजेंट करने? बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली मैं जाऊँगी। अगर वो बोलेंगे तो मैं जाऊंगी बिल्कुल, अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं बिल्कुल निभाऊंगी वो। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का प्लान फेल होने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बी टीम वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार थी। मतलब ये कि मूसेवाला को मौत के घाट उतारने के लिए लॉरेंस गैंग की तरफ से फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था, ताकि किसी भी सूरत में सिद्धू मूसेवाला उसके गैंग के शूटरों के हाथों से बचकर ना निकल जाए। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बदमाशों की एक बी टीम भी तैयार कर रखी थी। सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस की इस बी टीम में 5 से 6 शूटर शामिल थे, जो वारदात वाले दिन गैंग की ए टीम की तरह ही आधुनिक हथियारों से लैस थे। मतलब ये कि अगर किसी वजह से लॉरेंस गैंग के शूटर की ए टीम वारदात को अंजाम देने में फेल हो जाती तो उसके बाद लॉरेंस की बी टीम मूसेवाला पर हमला कर देती। हालांकि लॉरेंस गैंग की बी टीम को मूसेवाला पर हमला करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जिस टीम को यह काम सौंपा गया था वो पहले ही उसे अंजाम दे चुकी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक हत्याकांड से जुड़ा यह चौंकाने वाला राज तब सामने आया जब जयपुर से पुलिस ने दानाराम नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जिस टीम को ये काम सौंपा गया था वो पहले ही उसे अंजाम दे चुकी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक हत्याकांड से जुड़ा ये चौंकाने वाला राज तब सामने आया जब जयपुर से पुलिस ने दानाराम नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जो राजस्थान के रोहित गुदारा गैंग के लिए काम करता है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि मूसेवाला हत्याकांड की शूटरों की बी टीम में दानाराम भी शामिल था। दावा किया जा रहा है कि दानाराम के अलावा उस टीम में कई और भी शूटर शामिल थे। सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के प्लान के मुताबिक गैंग की बी टीम को ए टीम के शूटरों को भगाने में भी जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब ये कि शूटरों की दूसरी टीम के पास दो काम थे। पहला ये कि अगर ए टीम के शूटर मूसेवाला की हत्या नहीं कर पाते हैं तो बी टीम के शूटर उन पर हमला करेंगे, और दूसरा ये कि अगर ए टीम वारदात को अंजाम तो दे देती है तो दूसरी टीम में शामिल बदमाश उन्हें बाहर से भगाने में मदद करेंगे, या यूं कहें कि हत्याकांड में शामिल शूटरों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना उनका काम था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि ए टीम जिसमें 6 शूटर शामिल थे, उन्होंने 29 मई को शाम 5:30 बजे के करीब पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया था। बाद में सभी शूटर वहां से आसानी से फरार हो गए थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि वारदात में शामिल सभी शूटर लॉरेंस की बी टीम की मदद से ही वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि लॉरेंस की बी टीम में शामिल दानाराम और उसके साथियों ने वारदात के बाद ही पाकिस्तान से आए हथियारों को शूटरों से ले लिया था, और इसके बाद उन आधुनिक हथियारों को ऐसी जगह पहुंचा दिया गया जिसका अभी तक पता नहीं चल सका। हालांकि जांच एजेंसियां उन हथियारों को ढूंढने में भी जी जान से जुटी हैं। लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि कुछ रोज पहले ही दिल्ली पुलिस की एक टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी, कशिश और केशव को गिरफ्तार किया था।
जिनके पास से पुलिस को कुछ हथियार भी बरामद हुए थे, जिनमें 8 हैंड ग्रेनेड, 1 ग्रेनेड लॉन्चर और 1 पिस्तौल के साथ 36 गोलियां शामिल थी। लेकिन इनके अलावा अभी तक बाकी के हथियारों का पता लगा पाने में पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाई है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 आज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। ये खुलासा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी सचिन बिश्नोई से जुड़ा हुआ। जी हां, न्यूज 18 इंडिया पर मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाला सचिन एक फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया। न्यूज 18 के पास वो फर्जी पासपोर्ट भी मौजूद है। सचिन बिश्नोई ने पासपोर्ट पर अपना नाम तिलक राज टुटेजा लिखवाया हुआ है। उसका पता दिल्ली के संगम विहार का है। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या का सारा खाका खींचने के बाद सचिन विदेश भाग गया। कहा यह जा रहा है कि सचिन अभी दुबई में कहीं छिपा हुआ है। और अब आपको सुनाते हैं गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने न्यूज 18 से क्या कुछ कहा था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारे उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है, क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं नहीं, उसे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू खेड़ा, जितने भी, हाँ जी हाँ जी, और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे, उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है, और दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने भी इसका नाम रखा था। फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।